हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक जानकारी निकल कर आ रही कि ठंड के साथ आज होगी बारिश। जाने यूपी हरियाणा दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, किन किन राज्यों में आज होगी बारिश, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि देश में इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। ठंड की पूरी तैयारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर पूरा देखा जा रहा है। मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन उत्तर और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। हिमालय पर लगातार हो रही बर्फबारी के साथ बारिश की वजह से उत्तर भारत का मौसम बदल गया है। हिमाचल से लेकर मैदानी इलाकों तक, दिल्ली हरियाणा तक ठंड का एहसास किया जा सकता है। मौसम विभाग ने बारिश की भी भविष्यवाणी की है। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली यूपी हरियाणा समेत देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। आपको बता दें मौसम विभाग ने आपको बता दें भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है, जिसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड तेजी से शुरू हो जाएगी। अगले 48 घंटों के दौरान एक कम दबाव के क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाली खाड़ी और असम पर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके बाद आपको बता दें तापमान में और गिरावट होगी और मौसम बदलेगा। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो आपको बता दें कि दिल्ली में भी मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी में बीते दिन आपको बता दें कि सबसे ठंडा रहा। इसके बाद आपको बता दें कि ठंड और बढ़ने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो दिल्ली से सटे हरियाणा का भी मौसम लगभग एक जैसा रहने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। हरियाणा में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तापमान में गिरावट की वजह से यहां ठंड बढ़ने वाली है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी अगले एक सप्ताह से तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दो दिनों में आपको बता दें आने वाली सर्द हवाएं अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट होगी और बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।